नमस्कार, मैं शक्ति नागर शर्मा बंधु म्यूज़िक एकेडमी की तरफ से आपका इस छोटे से ट्यूटोरियल वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे तबले की बनावट के बारे में और इस पर बजाए जाने वाले कुछ बोलों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है बायां, ये होता है दायां। बाएं को डग्गा भी कहा जाता है और ये स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है, पीतल का भी होता है, तांबे का भी होता है और मिट्टी का भी प्रयोग में लाया जाता है। ये होता है डग्गा, ये होता है तबला या दायां या चाटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, इसे हम कहते हैं स्याही। इसके ठीक पास में है लव या मैदान, इसी के पास में है किनार या चाटी और सबसे कॉर्नर पर आप देख सकते हैं इसे हम कहते हैं गजरा। यहाँ पे है ये जो रस्सी आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं बद्दी। ये होते हैं गट्टे और ये लकड़ी का बना हुआ होता है पूरा तबला। ये है दायां या चाटी या तबला। ये भी यहाँ पे है स्याही, यहीं पर है मैदान और यहीं पर है किनार और ये गजरा और बद्दी और यहाँ पर गट्टे। अब हम जानेंगे इस पर बजाए जाने वाले कुछ बोलों के बारे में। बाएं से शुरू करते हैं, इस पर है क, की या के। क भी वही है, के भी वही है, की भी वही है। उसी प्रकार घ, घी, घे या ग, गी, गे। ती, ट, ती, ट, ना, ना, ना ना तीट, तीर कीट, कीट तक, घग तीट, घेगे तीट, किट तक धा, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, तेरे किट तक धा, तेरे किट धा, तेरे किट तक धा। तो इस प्रकार से कुछ बोल बजाए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझसे कुछ भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप हमारे वीडियो की कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रश्न रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी के उत्तर देने की। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।